हेलो बच्चों, आज हम आपके साइंस का जो चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपका ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जो लास्ट हमारा लेक्चर था, पहला लेक्चर था, उसमें हमने बायो का ये चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ा था। तो आपको बताया था कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है। तो कोशिका से कोई भी जीव हो, चाहे से वो एक कोशिको बहुकोशिको, सभी का जीव जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बनता है, कोशिका से मिलकर बनता है। फिर आपको बताया था कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। उन्होंने उसको काय में देखा था, कॉर्क के टुकड़े में देखा था, और उनको छोटे छोटे कोष्ठक नज़र आए थे जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल। उसके बाद में प्याज की जो पतली झिल्ली है उसके अंदर कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा गया। तो जब भी किसी कोशिका को देखा गया तो कोशिका के कितने मुख्य भाग दिखाई दिए थे, तीन। पहला है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक, और तीसरा है कोशिका द्रव्य। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसके बाद में लास्ट लेक्चर में हमने जीव कोशिका नंबर की संख्या के आधार पर एक कोशिका और बहुकोशिक जीव पढ़े थे। तो अब यहाँ जो कोशिका के तीन मुख्य भाग हैं उनमें एक एक करके हम सबको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है आपके प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। अब प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो इसके बारे में मेरे यहाँ पॉइंटों से लिखने का, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ये डायग्राम बनाया था, तो ये सबसे बाहर की जो परत दिखाई दे रही है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से क्या करती है, अलग करती है। तो ये जो बाहर का पर्यावरण है उससे जो कोशिका द्रव्य है और जो भी इसमें आगे हम कोशिकांग पढ़ेंगे उनको बाहरी पर्यावरण से क्या करती है, ये पृथक करती है। दूसरा, ये कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। अच्छा, यही निश्चित करती है जो प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली है, वो ही निश्चित करती है कि कौन से पदार्थ को तो कोशिका के अंदर आना है और कौन से पदार्थ को कोशिका के बाहर जाना है। यानी इसी झिल्ली में से होकर पदार्थों का, गैसों का जो विनिमय होता है वो इस कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली में से ही होता है। इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। पारगम्य का मतलब आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। इसमें छोटे 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 से बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, बहुत बारीक बारीक, उन्हीं में से पदार्थों का आवागमन होता है। तो कौन से पदार्थ को कोशिका के अंदर आना है और किस पदार्थ को कोशिका के बाहर जाना है, इसका जो चयन है वो कौन करती है, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली कहती है। इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, चाहे से वो जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाई जाती है। तीसरा, यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किसकी बनी है, प्रोटीन और लिपिड की। तो ये प्लाज्मा झिल्ली में जो कुछ गुण थे वो हमने पढ़े थे प्लाज्मा झिल्ली के। इसके बाद में हम अभी आपको बताया कि प्लाज्मा जो झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है उसमें ही से होकर के पदार्थ है या गैसें वो अंदर और बाहर आ जा सकती है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ है वो यही है कि प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों की गति किस प्रकार से होती है। तो वो दो प्रक्रियाओं के द्वारा होती है, एक तो है विसरण और दूसरा क्या है, परासरण। विसरण और परासरण के बारे में आप पहले छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ जब अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जब पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो जो O2 और CO2 का जो विनिमय है प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली से, वो कौन सी विधि के द्वारा होता है, विसरण विधि के द्वारा। अब जैसे कोई भी कोशिका है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, या ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रही है, तो दोनों ही की जो गति है वो किसके द्वारा होती है, विसरण के द्वारा। जैसे ये कोई कोशिका है, पादप कोशिका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो किस तरह से जाती है, जैसे बाहर के पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या हो, कम हो। तो बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके अंदर चली जाती है, कोशिका के अंदर चली जाती है।
अब ऑक्सीजन कैसे बाहर आती है कि जैसे कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और बाहर के पर्यावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है, कम है, तो अंदर से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आ जाती है, बाहर के पर्यावरण में आ जाती है। इसी तरह से जो जंतु कोशिका है, जो श्वसन में हम ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो ऑक्सीजन का भी जो परिवहन होगा, जो गति होगी, वो इस विसरण विधि के द्वारा ही होगी। बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, तो बाहर से जो ऑक्सीजन है वो किसके अंदर चली जाएगी, कोशिका के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका के अंदर ज़्यादा होगी और बाहर पर्यावरण में कम है, तो कोशिका के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अब परासरण क्या होता है, जल के अणुओं की गति जब प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। कि जल के अणुओं की गति भी जब प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली में से हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। और ये भी कहाँ से होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो जो ये परासरण है वो भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही होता है। तो परासरण के आधार पर जो विलयन होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, अल्प परासरण दाबी विलयन, सम परासरी विलयन और अति परासरण दाबी विलयन। तो ये कंडीशन कब होती है कि यदि हम जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर या नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। अब आपने एक ऐसा विलयन तैयार किया है जिसमें शक्कर या नमक की मात्रा तो क्या है, कम है, और पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। मैंने आपको जो लाइव क्लास है उसमें बताया था तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है। विलयन हमेशा किस में बनाया जाता है, पानी के अंदर ही बनाया जाता है। कि आप एक ऐसा विलयन बना रहे हैं शक्कर या नमक का, कि शक्कर या नमक की मात्रा तो कम है और पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। और यदि आपने एक ऐसा विलयन बनाया है जिसमें शक्कर या नमक की मात्रा तो ज़्यादा है लेकिन पानी की मात्रा क्या है, कम है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। तो पहली जो कंडीशन है अल्प परासरण दाबी विलयन, कि हमने कोशिका को ऐसे विलयन में रखा है, किस में रखा है, तनु विलयन में। तनु का मतलब क्या है कि उसमें शक्कर या नमक की मात्रा तो क्या है, कम है, और जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो मैंने ये डायग्राम से समझाया, बाकी आपको उसको बुक में से उतारना पूरा, कि यदि हमने कोशिका को तनु विलयन में रख दिया, तनु का मतलब शक्कर और नमक की मात्रा कम है और जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और कोशिका के अंदर जल की मात्रा क्या है, कम है, तो बाहर जल की मात्रा सांद्रता ज़्यादा है और अंदर जल की सांद्रता क्या है, कम है, तो बाहर से जो जल है वो कोशिका के अंदर जाने लगेगा, और कोशिका के अंदर जाएगा तो जल अंदर जाएगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तो कोशिका क्या होने लगेगी, फूलने लग जाएगी। तो इस तरह की जो विलयन होता है वो कहलाता है अल्प परासरण दाबी विलयन। अल्प का मतलब सांद्रता बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है। समपरासरी विलयन, अब हमने कोशिका को ऐसे विलयन में रख दिया जिसमें बाहर जल की सांद्रता और कोशिका के अंदर जल की सांद्रता क्या है, बराबर है, तो ऐसा क्या होगा कि जितना जल अंदर जाएगा कोशिका के उतना ही जल क्या होगा, बाहर आएगा। तो ऐसा होने पर क्या होता है कि कोशिका के जो साइज होता है उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है, तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं समपरासरी विलयन। यानी बाहर भी सांद्रता, जितनी बाहर सांद्रता है उतनी ही सांद्रता क्या है, कोशिका के अंदर है। अब तीसरा है अति परासरण दाबी विलयन। अति परासरण दाबी विलयन में कि हमने कोशिका को ऐसे घोल में रख दिया जिसमें बाहर तो सांद्रता कम है लेकिन कोशिका के अंदर सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। अब ज़्यादा है अंदर और बाहर कम है, तो कोशिका के अंदर से जो जल है वो क्या होगा, बाहर आने लगेगा, और जब कोशिका के अंदर से जल बाहर आने लगता है तो कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इस तरह का विलयन में रखते हैं तो क्या कहलाता है, अति परासरण दाबी। समान सांद्रता के विलयन में रखते हैं तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, समपरासरण दाबी। और बाहर सांद्रता ज़्यादा है और कोशिका के अंदर जल की सांद्रता कम है तो तनु विलयन में रखते हैं। तनु विलयन हमेशा क्या होगा, जब जल की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ऐसा विलयन जब बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्प परासरण दाबी कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने कोशिका झिल्ली के अथवा प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ा कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या होती है, ये किसकी बनी होती है, इसका क्या कार्य है, इसमें से किस किस का आदान प्रदान होता है, गैसों का, जल का। तो ये आदान प्रदान की जब क्रिया होती है
तो वो गति जो होती है पदार्थों की या किसी भी जल की, तो कौन किस किस के द्वारा होती है? विसरण के द्वारा और परासरण के द्वारा। अब परासरण के आधार पर, परासरण में हम केवल किसका पढ़ रहे हैं? जल के अणुओं की गति। प्लाज्मा के झिल्ली के अंदर जो जल के अणुओं की गति है उसको हम क्या कहते हैं? परासरण। और वो भी हमेशा कहाँ होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो इसके आधार पर जो विलयन है वो कितने प्रकार का है? अल्प परासरणी, सम परासरणी, अति परासरणी। अल्प परासरण दाबी होगा तो कोशिका फूलेगी क्योंकि बाहर से जल अंदर जाएगा। सम परासरी होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि जितना जल अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा क्योंकि सांद्रता दोनों तरफ क्या है? बराबर है। और अति परासरण दाबी कि कोशिका के अंदर जल की सांद्रता ज़्यादा है और बाहर जल की सांद्रता क्या है? कम है, यानी नमक और शक्कर तो ज़्यादा है लेकिन जल कम है। तो बाहर से जल क्या होगा? कोशिका के अंदर से जल बाहर आएगा और कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो इस तरह से ये हमने आज टॉपिक पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट जो मुख्य भाग है केंद्रक, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्वेश्चन करके आना है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या होती है समझाइए। तो ये जो मैंने इसके चार जो इसके गुण लिखे प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली के, ये लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है परासरण के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है? अल्प परासरण दाबी, सम परासरण दाबी और अति परासरण दाबी कितने प्रकार का होता है इसे समझाइए। तो आपकी बुक में ही पूरा इसका तीनों का लिखा हुआ है, फिर भी मैंने आपको जो बुक में लिखा हुआ है वैसा का वैसा मैंने आपको पूरा समझा दिया है। इसको आपको लिखना है पूरा होमवर्क कॉपी में। तो दो क्वेश्चन आपको करने हैं, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या है समझाइए, तो ये चारों पॉइंट लिखने हैं। और परासरण किसे कहते हैं, परासरण के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, तीनों को आपको समझाना है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।